नरसिंहपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां नरसिंहपुर लक्ष्मीनारायण मेमोरियल हॉस्पिटल मामले में आज परिजनों द्वारा नरसिंहपुर जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर एवं स्वास्थ्य मंत्री के नाम गोटेगांव थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में यह मांग की है कि शीघ्र ही अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के खिलाफ एवं वहां पर किए गए अभद्रता के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर अस्पताल प्रबंधक अमन प्रताप का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज देखते हैं पूरी खबर, पीड़ित और अस्पताल संचालक की जुबानी, पूरे मामले की कहानी। समस्या है, क्या शिकायत लेकर आई हूँ? शिकायत ये है कि सर, कल मैं एक बार और अपना इंटरव्यू दे चुकी हूँ कि मेरी सिस्टर की तबीयत खराब हुई थी, तो उनको लक्ष्मी नारायण मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहाँ से हम लोग के साथ बहुत ज़्यादा अभद्रता की गई है। सिस्टर की डेथ होने के बाद भी बताया गया कि सिस्टर की डेथ नहीं हुई है, टाइम से पैसे लेते रहे और लास्ट तक बोलते रहे कि उनकी डेथ हुई नहीं है, गाली गलौज थी। मेरी मम्मी की तबीयत भी खराब हो गई थी, वहाँ कोई किसी का साथ नहीं दे रहा था और वहाँ पर मौके पर पुलिस भी पहुँची थी, तब भी उन्होंने हम लोग को ना कोई बिल दिया है, ना फाइल दी है, ना कुछ दिया है। बस सिस्टर को हम लोग लेके आए, उनने बोला कि इनकी डेथ नहीं हुई, तो हम लोग उनको सरकारी हॉस्पिटल लेके गए वहाँ पर नरसिंहपुर में। तो जहाँ उनको ले गए तो वहाँ मृत घोषित कर दिया गया, उनकी मौत हो चुकी थी पहले से और उन लोग इलाज कर रहे थे। इलाज के बाद भी महंगी से महंगी दवाइयाँ मंगा रहे थे, हम लोग ला के दे रहे थे और लास्ट में डॉक्टर सर ये बोल रहे हैं कि मात्र 19,000 रुपये का बिल बना है, 50,000 का तो प्रूफ हम लोग के पास अभी फिलहाल यहाँ पे है। तो आपके पास बिल वगैरह है? हाँ, बिल वगैरह हमारे पास है। बस हम यही चाहते हैं कि वहाँ पे फुटेज है उनकी कार्रवाई, मतलब वहाँ पर थोड़ी जाँच की जाए और उनके खिलाफ थोड़ी कार्रवाई की जाए, और जो वहाँ पे ये धंधा इस चीज़ का चल रहा है ना, ये धंधा वहाँ पर बंद हो। जो हम लोग के साथ हुआ है ऐसे कभी किसी के साथ नहीं हुआ। कितने पैसे लिए गए आपसे? 90,000 समथिंग है और कुछ कम ज़्यादा भी हो सकता है। उसके बिल वगैरह हैं आपके पास? बिल वगैरह हमारे पास कुछ आधे हैं और आधे नहीं मिले मुझे, वहाँ से फाइल ही नहीं दी गई है। तो डेड बॉडी देने से क्या इनकार कर रहे थे? इनकार कर रहे थे, बोल रहे थे कि इनकी डेथ नहीं हुई है, लेकिन सर थोड़ा पढ़े लिखे हम भी हैं, हमने भी पढ़ाई की है, जानते इतना तो हैं हम। उनकी सिस्टर की डेथ हो गई, उसके बाद भी वो सांस चलाते जा रहे हैं, वो तो कोई भी चला सकता है ना, पैसे ही उनको, तो इस कारण से वो कुछ भी कर सकते हैं। अब क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं कि मतलब जांच की थोड़ी कार वहाँ पे जांच हो, थोड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई हो। क्या नाम है आपका? शिवानी चांदोर। जिसने मुझे हम लोग के परिवार को गाली दी थी उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। एक तो गलती कर रहे हैं, ऊपर से गाली दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? शिवानी चांदोर। नमस्कार, मैं अमन प्रताप सिंह, संचालक लक्ष्मी नारायण मेमोरियल हॉस्पिटल। सर, कहीं ना कहीं परिजनों ने ये आरोप लगाए हैं कि जो पेशेंट है उसकी डेथ हो गई थी, उसके बाद भी उसको इलाज के लिए भर्ती रखा रहा। सर, अस्पताल खोलने का सिर्फ एक मोटिव था यहाँ पे कि आपको जबलपुर या नागपुर एक बेटर ट्रीटमेंट के लिए ना भागना पड़े, वो सर्विसेज हम यहाँ प्रोवाइड करें। इस प्रकार की अनएथिकल प्रैक्टिसेज हम बिल्कुल नहीं करेंगे। कल यहाँ पे जो लोग मौजूद थे, जो पुलिस बल मौजूद था, उनको जाके मैंने दिखाया ये चीज़ कि आप देख सकते हैं कि वेंटिलेटर सांस लेने में मदद करता है, वेंटिलेटर हार्ट बीट नहीं चला सकता। आप मॉनिटर पर पल्स चेक कर सकते हैं, आप पल्स फील कर सकते हैं। पेशेंट वॉज वेरी मच अलाइव, उसमें अनएथिकल प्रैक्टिस का सवाल पैदा ही नहीं होता। तो सर, कहीं ना कहीं एक चीज़ और निकल के आई कि उनका कहना है कि 1,00,000 से ज़्यादा की दवाइयाँ हो चुकी हैं। सर, जो पहली बात, जो अस्पताल का बिल था जिसमें कि वेंटिलेटर चार्जेस, आपके इन्फ्यूजन पंप के चार्जेस या फिर बेड चार्जेस, जो भी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, वो सब मिला के 12,000 रुपये का बिल था। और दवाइयां जो उनको पूरे समय हॉस्पिटल स्टे में लगाई गई, इतना क्रिटिकल पेशेंट था, अनेकों दवाइयां जो लगाई गई, उसका भी अस्पताल का फार्मेसी का टोटल बिल मुश्किल से 19,000 रुपये बनाया गया था। तो कहीं ना कहीं न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई। सर, अब उस पर तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हॉस्पिटल अपनी तरफ से कहीं पे भी गलत प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, इस चीज़ का मैं आश्वासन आपको दे सकता हूँ। जब उनकी यहाँ से उनको रेफर किया गया, यहाँ से उनकी छुट्टी हुई, तो उस समय उनकी क्या स्थिति थी? सर, पेशेंट क्रिटिकल थी, पेशेंट क्रिटिकल जब एडमिट हुई थी तब से क्रिटिकल ही थी। पेशेंट को सुबह 9:30-10 बजे के आसपास वेंटिलेटर पे लेना पड़ा था, मरीज़ की हालत इतनी ज़्यादा कमज़ोर थी, लेकिन पेशेंट वॉज वेरी मच अलाइव, पेशेंट की दिल की धड़कन चल रही थी। और उस कंडीशन में रिलेटिव्स ने फिर हमको बोला कि हम कहीं और लेके जाना चाहते हैं, तो हमने कहा बिल्कुल लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सर एक चीज़ और बताएं कि बेटी अगर कोई क्रिटिकल मरीज है और उसको अगर वेंटिलेटर से हटा दिया जाए तो कितने देर तक और वो सर्वाइव कर सकता है? सर वेंटिलेटर लगाने का उद्देश्य ये होता है कि मरीज को अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही है या फिर वो खुद से अपनी सांस मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए वेंटिलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इतने क्रिटिकल पेशेंट में वेंटिलेटर हटाएंगे, आप सपोर्ट ख़त्म कर देंगे, तो वो तो सीधी सी बात है कि मरीज किसी भी समय पर कोलैप्स कर सकता है वेंटिलेटर हटाने के बाद।